नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल चैनल श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जनगणना का प्रोसेस क्या होता है, काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी होने पर किसे और कैसे शिकायत करें, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और सबसे पहले सर्विस वोटर्स के मतों की गिनती होती है। सर्विस वोटर्स मतलब वो मतदाता है जो अपने विधानसभा में ना होकर कहीं और ड्यूटी पर तैनात होते हैं। इनमें सैनिकों, चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारी और देश के बाहर अपनी ड्यूटी करने वाले अधिकारियों के साथ साथ वे लोग भी होते हैं जो पुलिस की प्रिवेंटिव डिटेंशन में होते हैं। बैलेट पेपर की गिनती के बाद ETPB यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट से प्राप्त मतों की QR कोड की स्कैनिंग की जाती है। हर राउंड के रिजल्ट अपडेट करने का काम RO यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। चुनाव के रुझान सुबह 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग से जुड़ी सारी जानकारियों को सीक्रेट रखा जाता है। काउंटिंग के पहले जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से हर सुपरवाइजर को हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। उम्मीदवार काउंटिंग हॉल के अंदर अधिकतम 15 एजेंटों को रख सकते हैं। एजेंटों की नियुक्ति उम्मीदवार और स्थानीय निर्वाचन अधिकारी करते हैं। मतगणना के दौरान सभी टेबल्स पर उम्मीदवार की तरफ से एक एजेंट होता है। ये एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठता है। विधानसभा के लिए होने वाली वोट काउंटिंग एक जगह पर अरेंज की जाती है। एक बार हॉल के अंदर दाखिल हो जाने के बाद किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होती है। सभी को रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देश मानने होते हैं। काउंटिंग सेंटर के आसपास गड़बड़ी की शिकायत निर्वाचन आयोग से की जा सकती है। अगर नतीजे से आप खुश नहीं हैं और आपको लगता है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है तो इसकी शिकायत 24 घंटे के अंदर करनी होगी, नहीं तो इसे कोर्ट में चुनौती देनी होगी। गड़बड़ी की शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। ऑफलाइन शिकायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी या चुनाव आयोग से संपर्क किया जा सकता है। काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी का दोषी पाए जाने पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1995 के सेक्शन नंबर 136 के तहत 6 महीने से 2 साल तक की सजा या जुर्माना भी हो सकता है। ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत पर रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। हालांकि इस बीच मतगणना नहीं रोकी जाती है, बस उस मशीन को अलग रख दिया जाता है। हॉल के अंदर काउंटिंग ठीक से हो रही है या नहीं, इसके लिए पर्यवेक्षक हर राउंड की गिनती करने के बाद 2 टेबल्स को सेलेक्ट करते हैं। इनके वोटों को हर टेबल के हिसाब से मिलाया जाता है। जांच करने वाले अधिकारी को वोटों की गिनती की जानकारी नहीं दी जाती है। जब रिजल्ट का सही मिलान हो जाता है तब इसे फाइनल कर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। तो ऐसे होती है वोटों की गिनती। विधानसभा चुनाव से जुड़े हर अहम और ताजी खबर के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।